नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। मैं हूं स्नेहा अभिनव से। जिंदगी में तरक्की के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो तकदीर इतनी बुलंद हो कि तरक्की मुट्ठी में समा जाए, या फिर कुछ ऐसी तदबीर मिल जाए जो तरक्की की राह आसान बना दे। अपनी इस खास पेशकश में आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने तरक्की के लिए तकदीर का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया कि अब वो दूसरों के लिए एक आइकॉनिक शख्सियत बन चुके हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रेरक। प्रेरक की शुरुआत एक ऐसे शख्स से जो अपना स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। स्टार्टअप अब आम बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिस दौर में इंटरनेट के जरिए बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, उस वक्त उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। हाँ, उलाहना देने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी उन उलाहनों पर ध्यान नहीं दिया। फोकस किया तो सिर्फ अपने दिलो दिमाग पर, जो उनके कानों में धीरे से यही फुसफुसा रहे थे कि तरक्की तुम्हारा इंतजार कर रही है। अफसरों के आसपास के विस्पर्स को पकड़ने का मादा रखते हैं डॉक्टर सुरेश मेहलोत्रा। बतौर पत्रकार जब सुरेश मेहलोत्रा ने अपने करियर की शुरुआत की तो सैलरी थी मात्र 10 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए, जो अब यूं ही खर्च हो जाते हैं। उन दिनों मेहलोत्रा साहब 10 रुपए में पूरा महीना गुजार लेते। महीने की पहली तारीख को 10 रुपए लेते समय शायद वो भी उसी तरह खुश होते रहे जैसे हम और आप अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होने का मैसेज देखकर खुश होते हैं। शायद उन्होंने भी ये कहां सोचा होगा कि ये 10 के पीछे लगने वाले जीरोस में एक दिन इतना इजाफा होगा कि वो सैलरी लेने की जगह हजारों की सैलरी बांटने में सक्षम होगा। करियर में उतार चढ़ाव आते रहे, उस वक्त डॉक्टर सुरेश मेहलोत्रा ने वो फैसला किया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जिस दौर में लोग बेतार वाले इंटरनेट के कनेक्शन समझने में लगे, उस वक्त मल्होत्रा जी ने इंटरनेट के बूते नाम कमाने की प्लानिंग की। जिस वक्त लोग ईमेल की स्पेलिंग समझकर लॉगिन लॉगआउट करना सीख रहे, तब सुरेश मेहलोत्रा जी अपनी वेबसाइट शुरू कर चुके थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बेशक नौजवान ही कहूंगा। नहीं, अब तो 70, आई एम रनिंग 73 नाउ। मैं आपको थोड़ा पीछे लौटाता हूं। वो जब लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि मैं खुद उसका एक प्रत्यक्ष दर्शी हूं, वो क्या दौर था और आपके मन में उस समय क्या बात थी कि मुझे तो करना? देखिए, सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि बोले क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ होना है क्या, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी। तो मैंने सोचा, क्या सोचा, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मैंने विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स डॉट कॉम हिंदुस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। इससे पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक जगह पर कहीं कुछ नहीं मिलता था, और उस समय मेरे बारे में हिंदुस्तान भर के सारे मीडिया ने काफ़ी कुछ लिखा इस साइट के बारे में। सवाल ये कि हर आदमी कहता था, बोले योर हेड ऑफिस मस्ट बी इन दिल्ली, मगर कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं आई रन दिस ऑफिस फ्रॉम भोपाल, दिस इज़ माय सेंट्रल ऑफिस। मगर इसके पीछे केवल एक ही बात है, मैं केवल IAS, IPS, IFS, बैंक्स, PSUs, रेलवेज, आर्मी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो मैंने छोड़ा है। और इसका मतलब ये हुआ, आप जाएंगे दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक दे स्टार्ट देयर डे विद विस्पर्स। 11 बजे, 11:30 बजे आप हर आदमी क्या हो रहा है, और मुझे खुद लगता है कि कैसे हो रहा है, ये मुझे खुद लगता है कैसे हो रहा है। पर रीज़न यही है, चाहे मैं 103 का टेम्परेचर हो, चाहे दिल्ली अर्जेंसी में जाना, मॉर्निंग फ्लाइट से जाऊंगा, शाम को लौट आऊंगा, ब्यूरोक्रेट मतलब मैं साइट को अपडेट करूंगा। मैं अभी सेप्टिसीमी हॉस्पिटल है, मुझे मैं एडमिट रहा 10-15 दिन, डॉक्टर से मना कर, मैं 1 घंटे की छुट्टी लेके यहाँ दिन भर काम करता था, यहाँ आके अपडेट करता था। एक भी दिन मैंने उसको मिस नहीं होने दिया, क्योंकि आम लोगों को थोड़ी पता है कि आखिर क्या है, वो तो सवेरे देखते हैं भाई क्या है, अखबार निकल सकता है, मगर ये जब तक कि कंसंट्रेशन और ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों के मन में सपने होंगे, कई लोगों ने कोशिश की होगी। जी जी जी, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ आए, मोस्ट वेलकम, सबको आना चाहिए, मगर इसके लिए
ऐसे नहीं होता है साहब कि कहीं गए किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, एक दिन में संबंध नहीं बनते हैं, ये एक दिन में ट्रस्ट नहीं आता है, ट्रस्ट के लिए सालों लग जाते हैं। मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था 1961 में, 10 रुपये से शुरू किया और 10,000 पे ख़त्म किया। अब मेरे यहाँ जितने लोग हैं कोई इतना इससे कम तो इतना तो कम मिनिमम सर्वेंट है मेरे यहाँ इतना तो, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ हैं, 10-15 लोग हैं मेरे यहाँ। दिल्ली में 3 हैं, बॉम्बे में हैं, यहाँ 8-10 लोग हैं। प्रिंट में मैंने मैगजीन भी लाया हूँ, वही रेवेन्यू। अगर देखिए रेवेन्यू तभी आएगा आपके पास जब आपका वो प्रोडक्ट होगा। आज लोग सोच रहे हैं ना कि भैया इनके पास तो ये प्रोडक्ट है, हर आदमी अगर दिखाना है उसको अपना अचीवमेंट तो केवल दिस इज द ओनली सोर्स, मतलब दो जो मैटर वहां पहुंचने के लिए। साल 2001 में डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने विस्पर्स इन द कॉरिडोर वेबसाइट शुरू की। जाहिर है इंटरनेट से अज्ञानता के उस दौर में मल्होत्रा जी के मिशन को समझना इतना आसान नहीं था। यही हुआ भी, ना समझी में लोग इसे मल्होत्रा जी की गलती भी करार कर बैठे। लेकिन डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी डिगे नहीं, जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की पहली ऐसी वेबसाइट शुरू की जो आला अफसरों खासतौर से IAS IPS के मूवमेंट पर नजर रखती है और सबसे पहले इनकी सूचना देती है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर नाम से ये वेबसाइट हर शासकीय और प्रशासनिक गलियारे में एक जाना माना नाम बन चुकी है। वेबसाइट को मिलने वाले हिट्स इस बात के गवाह भी हैं। बता दूं कि डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा भोपाल में जर्नलिस्ट के लिए बनी एक क्रेडिबल सोसाइटी को, जो बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट ने बनाई है, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बीमारी या किसी भी आकस्मिक स्थिति में किसी भी पत्रकार और उसके परिवार को तुरंत सहायता उपलब्ध कराना, और इसमें कोई सरकारी अनुदान नहीं है। और डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा साहब बीते 5 साल में 25 लाख रुपए की बड़ी रकम बिना किसी शोर शराबे के, इसी लॉन में जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो अपनी स्मित विनम्र मुस्कान के साथ खड़े होते हैं, एक चेक उस सोसाइटी को देते हैं और कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि उसकी चर्चा हो, कोई उसकी बात करे। आज भी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इस पर आप क्या बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा उनसे कि इसके पीछे क्या भाव है। हम आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन जब हम देने की स्थिति में आते हैं तो हमारे हाथ सिकुड़ जाते हैं, हमारी मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। देखिए इसके पीछे कोई बिल्कुल मेरा कुछ नहीं है। एक अगर अपन पार्ट एक अपनी जिसने हम कुछ दिया है, हम कुछ कर सकें तो क्या बुरा है। अगर मैं मान लीजिए मैं ये नहीं है, मैं टैक्स पेड चेक देता हूँ, मैं ये नहीं कि साहब कहीं मेरे पास नंबर 2 तो कहीं से दूर दूर तक नहीं है मेरे पास। हाँ, और बस ये है कि उतना एक पार्ट अपने बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रन रख दीजिए, इतना अपने बिरादरी कर दीजिए, बस ये मेरी इच्छा है। क्योंकि सबकी अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है साहब, आप सोचें कि मैं किए जा रहा हूँ, आदमी खूब बटोरता है यहीं छोड़ जाने के लिए, तो फिर कुछ अगर अपन कुछ कर सकते हैं तो कर जाइए और भूल जाइए दूसरे दिन। मुझे ये भी नहीं रहता कि मैंने कुछ दिया है। अब आपको आश्चर्य होगा, आप निकाली बात, सर्वेंट से लेके मेरे एडिटर के बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस, मैंने कहा तनख्वाह के अलावा दिवाली शुरू कर दी मैंने, DPS की फ़ीस या कार्मल की फ़ीस या इंजीनियरिंग की फ़ीस या बिरला बॉन्ग फीस जब जहाँ पढ़ा है, उसके अलावा सैलरी के अलावा। ये भाव कैसे आया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बॉन्डिंग कैसे मन में आई? आप दिवाली लोग गिफ्ट करते हैं, मैंने कहा इस बार मेरे ये इच्छा हो रही है, मेरी मन में आता है ये सब, ये जिस दिन नहीं होगा नहीं करूँगा, जब है तो क्यों नहीं करूँगा। किसी जमाने में महज 10 रुपए और थोड़ा आगे चलकर 10,000 रुपए तक कमाने वाले सुरेश मल्होत्रा अब 10 से ज्यादा लोगों को हर महीने अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं। आज हम सारे लोग खुदगर्ज होते चले जाते हैं, अपनी गाड़ी और बंगले की दौड़ में दौड़ने लगते हैं, तब वो लाखों रुपया
मुझे लगता है लगभग 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने एक संस्था को उन पत्रकारों के लिए दिया जो बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चियों की शादियों के लिए। वो मुझे लगता है वो नाराज़ होंगे इस उदाहरण से, लेकिन वो उन्मुक्त ढंग से मदद करते हैं उनके अपने लोगों के लिए। शायद कोई बड़ा संस्थान ऐसा नहीं करता होगा। इस पिछली दिवाली डॉक्टर साहब ने उनके संस्थान में जितने लोग उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनके बच्चों की एजुकेशनल 100% फीस, वो चाहे 5 रुपया हो चाहे 50,000 रुपया हो, एक मुश्त जमा करा दी थी। लोग जब बड़ी गाड़ियों पर चलने का सपना देखते हैं तो वो एक छोटी गाड़ी पर चलते हैं, एक छोटे मकान में रहते हैं। शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं कोई बड़ी गाड़ी लेता, अट्टालिकाओं में रहता, इतना रेवेन्यू अर्ज। साल 2001 में मल्होत्रा जी ने अकेले ही इस वेबसाइट की शुरुआत की। मन में यह संशय भी था कि वो वाकई सफल होंगे या नहीं, या लोगों के उलाहने और हिदायतें हकीकत बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2001 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया मैंने, और 2001 में यहाँ, उससे पहले मैं यहाँ नेशनल मेल का एडिटर था, फिर नई दुनिया का एडिटर रहा, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि यह सब से दूर होकर अपना ही प्रोजेक्ट शुरू करूँ मैं। मगर उस समय कोई उम्मीद नहीं थी कि आज ये हिंदुस्तान का ब्रांड नेम बन जाएगा। आज हिंदुस्तान में किसी भी कमरे में जाएंगे आप, नॉर्थ ब्लॉक टू साउथ ब्लॉक इन दिल्ली, और मणिपुर टू त्रिपुरा टू JNK टू वॉशिंगटन टू न्यूजीलैंड, हर जगह दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंट्री, जहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और आजकल एक इंफॉर्मेशन इज़ पावर, सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर, और यही बात दुनिया में पहुँच गई है। और किसी भी जहाँ जाएंगे आप, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस जगह पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, CBI में क्या हो रहा है, IB में क्या हो रहा है, रॉ में क्या हो रहा है, वह NIA में कौन चीफ बनने वाला है, RPF का DG कौन बनने वाला है, कौन बन चुका है, कौन क्या हो रहा है, यह सब बातें इस पर इस पोर्टल पर आती हैं। और यह हिंदुस्तान में एक अजीब, लोग इसको कहते हैं यह एक हिंदुस्तान का जादू है। एक हमारे एक मित्र गए थे वॉशिंगटन, उस समय एम्बेसडर थी यूएस में, जो एम्बेसडर थी लेडी थी, उन्होंने हमारे मित्र ने कहा, बोले आई एम फ्रॉम भोपाल, तो ओ यू आर फ्रॉम भोपाल, वी नो भोपाल बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, यूनियन कार्बाइड एंड विस्पर्स। जब मैंने सुना तो मेरे को लगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट एक सफल हो गया है। ये कोई खुद के गौरव करने की बात नहीं है, और यह केवल एक कमिटमेंट है, जुनून है, ईमानदारी है, मेहनत है। जिस दिन मैंने गलत काम शुरू किया उस दिन मुझे ईश्वर यह सफलता नहीं देंगे, और ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है। ये वर्ष से वर्ष कंडीशन में भी इसको, ये साइट अपडेट हुई है मेरी साइट, एक भी 2001 से मार्च 2001 से आज तक एक यह साइट एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, ब्रेक आया हो जब अपडेट साइट नहीं हुई। इट्स डिफ़िकल्ट टू सस्टेन एवरी डे, अच्छे अच्छे लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर हमारे इसमें भी कई ब्रांड आते जाते रहे हैं, मगर सस्टेन करना ये कोई आसान काम नहीं है। और आज ये हालत है कि जो मैंने किया है, मैंने किया भी तो ईश्वर कृपा है इसके पीछे, और ईश्वर की कृपा के कारण से आज मैंने 0 पैसे से शुरू किया था, आज मेरे कम से कम 15 मेरे साथ अच्छे सहयोगी हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ, और अब तो मैंने प्रिंट मीडिया में भी प्रवेश कर लिया है। मंथली मैगजीन भी है, विस्पर्स इन दी कॉरिडोर्स, यह मंथली मैगजीन भी, यह भी केवल ब्यूरोक्रेट्स के काम की है, और यह भी हिंदुस्तान में ऐसी मैगजीन कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। और यह भी एक पूरा हमारा प्रोजेक्ट यह चलता है, और ये अब जब तक ईश्वर काम करा रहा है तब तक मैं कर पा रहा हूँ, और मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मैं अपने 72 की एज में भी 12 घंटे काम करने की मुझे सामर्थ्य दे रखा है, मुझे ताकत दे रखी है, और मैं उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर का आभारी हूँ। और इस तरह से यह मेरी ये जो यात्रा है अभी जारी है, और इसका कोई अंत नहीं है।
क्योंकि पुरानी ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने ब्यूरोक्रेट्स पुरानी सब खत्म हो गया है, अब बिल्कुल जो नई ब्रीड आ रही है आप देखेंगे, पता करेंगे, पता कीजिए, मैं खुद नहीं कह रहा, मुझे जो बताते हैं कि जो नए IAS IPS IFS जहाँ निकलते हैं एकेडमी में, वह सबसे पहले ये पेज को whispersinthecorridors.com को उनके लिए आदत में आ गया है ये, और आदत में भी इसलिए आ गया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन उनके काम की होती है, और वह धीरे 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 एक बड़े अफसर मुझे मिले, IAS अफसर किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बोले ये डॉक्टर मेहरोत्रा हैं विस्पर्स के, तो एकदम से खड़े हो, अरे साहब हम तो आपको देख के बड़े हुए हैं, मतलब वो पहले दिन से विस्पर्स के नाम से वो लोग जानते हैं। ये जो साइट है ये हिंदुस्तान में ऐसा जो कोई भी IAS IFS IPS PSU में आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है हमारा ये साइट, बैंक्स PSUs रेलवे, आप रेलवे मिनिस्ट्री में जाइए, सब सारे मेंबर से लेके सब लोग इसको देखते हुए पाएंगे, और यह कोई नहीं जानता कि ये ज़्यादातर लोग यह उम्मीद करते हैं कि यह साइट दिल्ली से चलती होगी, और जब कोई मुझे यहाँ मिलना आता होगा तो वह आश्चर्य करता है कि ये छोटे से कमरे से आप कैसे, हम तो समझ रहे थे कि यू मस्ट बी रनिंग दिस साइट फ्रॉम अ 5-star ऑफिस, और यहाँ जब एक 5-star ऑफिस नहीं है तो उसमें लगता है कि इसी तरह से हम चलते रहे हैं, यही हमारी मंजिल है, और ईश्वर के पराक्रम से, ईश्वर की आशीर्वाद से हम इसको आगे चलाते कोशिश करेंगे पूरी तरह से, बाकी सब ईश्वर पर। विस्पर्स पर कान गढ़ाए बैठे मल्होत्रा जी की मेहनत रंग लाई और ये वेबसाइट दुनिया भर में फेमस हो गई, जिसे अमेरिका जैसे देश में भी लोग आसानी से पहचानते हैं। आज दुनिया भर के लोग अगर गूगल की ताज़ा रिपोर्ट देखें तो हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और इंडोनेशिया तक उनकी, या कई मुल्कों में, दुनिया भर के मुल्कों में उनकी वेबसाइट को देखा और पढ़ा जाता है। डिसीजन मेकर्स ये जानना चाहा करते हैं कि उनका तबादला कब होने वाला है, प्रमोशन कब होने वाला है। मुझे लगता है कि सरकारी गजट से बड़ा गजट है। एक ज़माने में जो काम मध्य प्रदेश में नई दुनिया इंदौर किया करता था या नवभारत भोपाल किया करता था प्रशासनिक खबरों को लेकर, उनके हलचलों को लेकर, वो पूरे हिंदुस्तान में और कहा जाए पूरी दुनिया में डॉक्टर मेहरोत्रा की वेबसाइट करती है। आज कोई बड़ा नौकरशाह अगर भोपाल आता है तो मुझे लगता है वो दो जगहों पर जरूर जाता है, एक तो डॉक्टर मेहरोत्रा के 45 बंगले स्थित घर और दूसरा भारत भवन। मैं हंस के उनसे कहा करता हूँ कि साहब दो ही चीज़ें मशहूर यहाँ पे हैं, एक डॉक्टर मेहरोत्रा, एक दूसरा भारत भवन, जिनको हम स्मारक मान लेते हैं। आज आलम यह है कि इस वेबसाइट के देश के अलग अलग शहरों में ऑफिस और 15 से ज्यादा लोग पूरी शिद्दत से इसके लिए काम करते हैं। एक ऐसी सोच थी आज से 17 साल पहले, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको न्यूज़ वेबसाइट को ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की खबरों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कोशिश की लाने की कि जिससे ट्रांसपेरेंसी भी हो और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। ये उनका एक सबसे बड़ा सोच थी, उनका सपना था, और 2008 में फिर उन्होंने एक प्रिंट मैगजीन भी इसकी, विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की प्रिंट कॉपी शुरू की, जिसका पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने वेलकम किया, ओवरवाम हुआ, जिसकी वजह से आज ये ऐसा माध्यम बन गया है कि हिंदुस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी डिसीजन मेकर या मूवर एंड शेकर हो, वो विस्पर इन द कॉरिडोर्स को दिन में एक बार ज़रूर देखता है। ही वांट्स टू नो कि कहाँ क्या चल रहा है, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में क्या नया बदलाव आ रहा है, कौन कहाँ अपॉइंट होने वाला है, तो इसके लिए वो इस वेबसाइट को ज़रूर देखते हैं। विस्पर इन कॉरिडोर्स में मैनेजमेंट साइट को देख रही हूँ। मैंने जहाँ तक सुरेश मेहरोत्रा, जो कि मेरे पति भी हैं, उनको ऑफिस के एक ऑनेस्ट कार्यकर्ता के रूप में जाना है, उनकी क्वालिटीज़ अगर मैं सोचती हूँ तो अंत होने का नाम ही नहीं लेती, जिसमें सबसे बड़ा उनका जो कार्यकुशलता है से कार्य करना, समय पे, सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो हर काम समय पे जाते हैं, और ये एक सीखने की बात है। और जो ऑफिस के लोग हैं
मैं चाहती हूँ वो सब इनकी कार्य करने की शैली को अपनाएं। आज से करीब 16 साल पहले whispersinthecorridors.com जब डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी ने शुरू की तो लोग इस पे हंसते थे, सोचते थे ये क्या है। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये जर्नलिज्म की दुनिया में एक नया कंसेप्ट है। एंड टुडे वी सी द रिजल्ट्स दैट एवरी IAS ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री हैज़ बिकम एडिक्टेड टू इट, सो मच सो दैट लुकिंग इनटू द डिमांड ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द न्यूज़ विच वी पब्लिश डेली ऑन अवर वेबसाइट, वी हैव टू ब्रिंग आउट अवर मैगजीन विच कैरीज कंप्लीट वन मंथ्स कंपाइलेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड इट इज़ इन ग्रेट डिमांड मोस्टली अमंग द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत सरकार में एक प्यून से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक के लोग की शुरुआत whispersinthecorridors.com से होती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर एम्पैनलमेंट और PSU सेक्टर्स, जुडिशरी, एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट सारे हम लोग पूर्व में बता देते हैं कौन बनने वाले हैं। तो ये लोगों की जिज्ञासा रहती है कि कौन नया व्यक्ति आने वाला है। तो इस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने कि जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है ये वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है और आगे हम लोगों का प्रयास है उसको और अच्छा करेंगे। इसको रेप्लिकेट करना भी आसान नहीं है। जैसे आप चाहेंगे कि भाई इसमें से आपको इतने लोग हैं मतलब जुड़े हुए हैं इसके साथ में, इंफॉर्मेशन बेस इतना बड़ा है, बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन रहती है, काफ़ी मेहनत लगती है इसके पीछे, बहुत मेहनत है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन वैसे ही आ जाती है, काफ़ी हमारी टीम काफ़ी इसके पीछे काफ़ी मेहनत करती है। काम के लिए डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा का ये डेडिकेशन, लगन और मेहनत उन्हें कामयाब बनाता है। 57 साल की उम्र में एक नया काम शुरू करना, देश ही नहीं दुनिया भर में उसकी पहचान बनाना और उसे एक मिशन मानकर काम में जुटे रहना आसान नहीं, और यही उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रयासरत लोगों के लिए प्रेरक बनाता है। उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने एक मंत्र दे ही दिया उनको कि आपको अपना खाना पीना सोना ये सब आपका सपना होना चाहिए। वो कुछ भी हो, अखिल भारतीय सेवा हो, राज्य सेवा हो, पत्रकारिता हो, अभिनय हो, या जहाँ भी व्हाटएवर आप जहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ आपने और क्या, क्योंकि कड़वाहट को पचाना बहुत कठिन होता है डॉक्टर साहब, और आपने शिव की तरह, भगवान शिव की तरह जो विष था वो गले में अटका लिया, उसको नीचे नहीं उतरने दिया, नहीं तो वो आपके वजूद के लिए। तो ये आलोचना को हम कैसे पचाएं? देखिए मेरी जो थ्योरी बता रहा हूँ आपको उस पर सबके लिए, डोंट टॉक अबाउट पास्ट, डोंट टॉक अबाउट टुमारो। कल पता है क्या होने वाला है? नहीं, यू डोंट नो। लिव इन प्रेजेंट एंड वर्क हार्ड एंड लिव इट टू द गॉड। बस भगवान, रोज इतनी मेहनत कीजिए आप और ऊपर वाले पे छोड़िए, गीता में भी है कर्म कीजिए बाकी मुझ पर छोड़िए। अब आप सोचेंगे कर्म करेंगे ही नहीं कुछ मिल जाए, ऐसे थोड़ी होता है। बस यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्तमान में रहिए और खूब मेहनत करिए। बस यही मंत्र है उनका उन सारे लोगों से जो सपने देखते हैं, शायद दुनिया में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इसको हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि जीवन में सफल हो, वो इस सपने को पूरा करने के लिए अगर डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा के अप्रोच को लेकर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर वो कामयाब होगा। प्रेरक में निश्चित तौर पर इससे प्रेरणादायक कोई और मंत्र नहीं हो सकता है। आप इस मंत्र को ज़रूर अमल में लाएँ। अगली कड़ी में एक और प्रेरक व्यक्तित्व के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा को देखकर लगता है कि कुछ नया सोचने, कुछ नया करने के लिए भी उम्र कोई मुश्किल खड़ी नहीं करती। डॉक्टर मल्होत्रा सही मायने में एक प्रेरक हैं। स्टार्टअप शुरू करने में ख्वाहिशमंद युवाओं के लिए भी और उनके लिए भी जो उम्र की ढलान पर हैं, खुद को बूढ़ा थका हुआ मानकर थम गए हैं, उनके सबके लिए एक प्रेरणा है डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा। उनसे हुई इस इंस्पायरिंग मुलाकात फिलहाल खत्म होती है। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।